तो आज है 4 नवंबर और सभी को पता है कि आज करवा चौथ है 4 नवंबर को। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बजा होगा 10:30 और अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहाया है। उसके बाद मैं ऊपर बैठी थी क्योंकि हेयर वॉश किए थे तो उसको सुखाने के लिए मैं बैठ गई। तो बस अभी मैं आई हूँ नीचे, मैं अभी ऊपर से आई हूँ और कल रात में ही मेहंदी मैंने लगवा ली थी, थोड़ी बहुत सी लगवाई है क्योंकि इस बार मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी काफ़ी दिनों से। तो अभी ठीक हुई हूँ, एक दो दिन पहले ही कोल्ड हो रखा था और फीवर भी था तो मैंने एक हाथ में बहुत ज़रा सी लगवाई है। तो मेहंदी जादनपुर भी नहीं जाना हो पाया और देवरानी बुला रही थी क्योंकि उसका फर्स्ट करवा था तो वो बुला रही थी, तो मैंने कहा वहाँ चलो मौसी तो आ ही जाएंगी और तबीयत भी नहीं ठीक है तो क्या करेंगे जा करके, तो फिर नहीं गई मैं। और वो रहती तो मेहंदी लगा देती, फिर जैसी तैसी मैंने लगवा ली थोड़ी बहुत सी ही, ऐसे ही अपने हाथ से थोड़ी सी लगाई और थोड़ी एक फ्रेंड है मेरी उसने लगा दी थी। और उसके बाद अभी मैं बैंगल्स पहन रही हूँ क्योंकि चूड़ियाँ मैंने हटा दी हैं, बैंगल्स एक एक डाल लूँगी ऐसे ही एक एक दो दो, फिर शाम को ही तैयार होंगी पूरा क्या फिर बार बार पहनूँ। तो अभी मुझे एक वीडियो शूट करना था तो सोच रही थी मैं वीडियो शूट कर लूँ जो कि आज ही मेरे चैनल पे जानी है और काफ़ी लेट हो गया, मैं 2-3 दिन से सोच रही पर हो नहीं पा रहा वो। तो अभी बस जा रही थी मैं वीडियो शूट करने के लिए, तो उस वीडियो शूट तो कर मैंने लेती शूट कर लिया था और उसके बाद अपलोड भी कर दिया तो थोड़ा टाइम लग गया था। और उसके बाद मैं लग गई थी खाना की बनाने में क्योंकि रात का जो डिनर होता है आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ बनता है, तो वही सब मैं प्रिपरेशन में लगी थी कि बन जाए तो उसके बाद आराम से रेडी होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो अभी बजा 5:30 और मेरा सब कुछ बन करके रेडी हो गया। अभी मैं हूँ छत पे क्योंकि पूजा के लिए जो बनाते हैं आटे से वो सब बना रहे थे हम लोग, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और सब बन गया है, बस जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए क्योंकि 5:30 तो हो ही गया है, 5:30 से ऊपर ही हो गया थोड़ा सा और 8 बजे तक चंद्रमा निकल आएगा तो तैयार होने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता है। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कि खाने कैसा जा रही बनाया। थी लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, पर ठीक ही बना है पर उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं बना, वो कह रहे क्या है बेइज्जती करा दोगे मेरी दिखा करके, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही। तो चलिए अब चलती हूँ मैं तैयार होने के लिए क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी, अभी थोड़ा सा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे तो नहाऊँगी तो नहीं क्योंकि शाम का टाइम है, वैसे ही कोल्ड हो रखा था और आज थोड़ी तबीयत और ख़राब हो गई थी क्योंकि कुछ पी भी नहीं सकते थे, गर्म पानी तक नहीं पी सकते थे आज और गले पे ऐसा लग रहा था कि बस बोलती नहीं निकली, मतलब कोल्ड जैसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ मैं पहले, तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मावर क्योंकि सबसे पहला काम यही रहता है ये कर लो तो उसके बाद रेडी होने में इजी हो जाता है, जल्दी हो जाते हैं रेडी। यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी पर थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि अभी मुझे चुन्नी डालनी है। तो ये है मेरा कुछ लुक और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।
डिनर तो कर लिया और मैं जा रही थी अपना मेकअप रिमूव करने और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो बस मिलूँगी सुबह आप लोगों से। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। मैं मेकअप रिमूव करके बस जा रही थी सोने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गई, ज़्यादा डिनर भी नहीं कर पाई क्योंकि पूरे दिन फास्ट रखने के बाद इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो थोड़ा सा खाया। उसके बाद मैंने अपना सारा ज्वेलरी वगैरह निकाला भी और उसके बाद में मैं आ गई मेकअप रिमूव करने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग, लाइट कुछ अजीब सी आ रही है यहाँ पर। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग क्या दोपहर होने वाली है, क्योंकि पहले मैं बैठ जाती हूँ एक सेकेंड। अब ठीक है लाइटिंग, तो दोपहर हो गई क्योंकि सुबह मैं उठी और आज थोड़ा सा लेट भी उठी। उसके बाद इतने सारे काम थे, कल मैंने मेकअप वेकअप सारा अपना मूरा अलमारी जो थी, कपड़े वाला रैक था, मेकअप वाला रैक था, सब बेकार कर दिया था। तो बस उसको ही ठीक करने में लग गई सुबह से, क्योंकि क्या होता है ये जो बॉक्स हैं purple.com से जितने भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, इतने सारे बॉक्स हो गए थे रैक में, इतने बॉक्स ही बॉक्स दिख रहे थे। तो आज मैंने उन सबको हटा दिया थोड़े से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे बॉक्स, और रखती जाती हूँ ऐसे ही आता है प्रोडक्ट तो ऐसे ही रख देती हूँ। तो काफ़ी सारे बॉक्स हो गए थे और कुछ चीज़ें थी जो हटानी थी पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज सब कुछ ठीक कर रही थी तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग गया। उसके बाद नहाया, फिर ब्रेकफास्ट किया, तो उसके बाद अब टाइम मिला, मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। अभी सुबह से बाल भी कॉम नहीं किए हैं, बस नहा लिया है पर बाल बिल्कुल भी कॉम नहीं किए हैं अपने, तो अभी थोड़ी देर बात करूँगी। तो अभी लंच हो चुका है और उसके बाद मैं जा रही थी स्टडी करने, और ये ब्लॉग शायद आज नहीं कल मॉर्निंग में पहुँच जाएगा। और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, ब्लॉग भी एंड करना है तो मुझसे भी डालनी है, क्योंकि कल क्या हुआ मैंने सोचा था कि न्यू वाली डालूँगी पर फिर मुझे लगा कि शाम को नथ पहननी है और फिर एक बार डाल लो अगर नोज़ पिन तो उतरती नहीं है जल्दी, खुलती नहीं है। पिछली बार की जो डाली थी आज बहुत मुश्किल में निकली है, मैंने पता नहीं क्या क्या प्लास व्लास सब ले करके किसी तरह निकाला इसको, हमें तो लगा आज मैं नथ नहीं पहन पाऊँगी मुझे लगा, फिर उसके बाद किसी तरह ये निकली है। तो अभी मैं डाल लूँगी नई वाली, तो क्योंकि एक बार पहन लो फिर उतरती नहीं है। और कल रात में चांद ने तो इतना इंतज़ार कराया कि थक गए, 8:05 का टाइम था निकलने का लेकिन लेट हो गया, आधे घंटे वेट किया हम लोगों ने ऊपर से, फिर उसके बाद आधे घंटे तक हम लोग बैठे रहे छत पे और सभी लोग बैठे थे गली पे, सभी लोग अपने अपने छत पे बैठे थे। फिर उसके बाद निकला भी तो कहाँ से, पीछे वाले छत से हमें देखना पड़ा, पीछे वाले छज्जे से, ये तो कहो मेरे घर पर दोनों तरफ छज्जा है तो पीछे से मुझे मैंने पूजा की आधी तो वहाँ से दिख गया था और आगे किसी को दिख ही नहीं रहा था तो मैंने वहीं से कर ली थी पूजा। अब व्लॉगिंग तो नहीं हो पाती क्योंकि काम रहता और अकेली रहती हूँ, हस्बैंड ही रहते हैं, वो भी काम में हेल्प करें कि वीडियो शूट करें क्या क्या करें। तो जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।